विभाग के कमिश्नर और जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री पी नरहरि जी, जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मनोज राजानी जी, हमारे देवास जिले के कलेक्टर श्री श्रीकांत पांडे जी, हमारी एसपी साहिबा श्रीमती कृष्णा जी, हमारी कमिश्नर संजना जी, शौकत भाई, रेखा जी, जय शास्त्री जी, असलम भाई, मनीष चौधरी जी, बहुत सारे नाम हैं सब परिवार के ही। विक्रम पटेल जो हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने अपने जिम्मेदारी को निभाया है, यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस परिवार के, नगर निगम परिवार के और इस देवास शहर के प्रबुद्ध जनों साथियों को। साथियों, जब से मध्य प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री के रूप में परम श्रद्धेय श्री कमलनाथ जी ने संभाली है, तब से एक नई आशा का संचार, चाहे शहर हो चाहे दूर अंचल में बसे हुए गांव हो, अभी आप एक सप्ताह से देख रहे हैं माननीय कमलनाथ जी डिंडोरी गए आदिवासी बैंड के पूरा 70-80 हजार लोगों की भीड़ कमलनाथ जी को देखने और सुनने के लिए। अभी दिल्ली में कुक्षी क्षेत्र में कल और परसों कमलनाथ जी का दौरा था, वहां पर 70-80 हजार आदिवासी भाई बहन उन्हें सुनने और देखने के लिए मौजूद थे। आज इंदौर में माननीय कमलनाथ जी के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कई करोड़ रुपए की सौगात आज इंदौर में आज वो देने जा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि उन्हें देखने और सुनने के लिए भीड़ इसलिए उमड़ रही है कि एक विजन वाला नेता हमें मध्य प्रदेश को मिला, जिसने गांव और शहर की दूरी मिटाने की कोशिश की। शहर में भूमाफियाओं, असामाजिक तत्वों, कॉलोनाइजर माफिया, मिलावट करने वाले माफिया, ड्रग माफिया, इन सबको उठा के देश की सलाखों के पीछे, गांव में गौशालाओं का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है, गांव गांव में विकास की नई परिभाषा लिखी जा रही है, गांव के किसान को कर्ज मुक्ति के लिए कर्ज माफी योजना में 2-2 लाख तक के ऋण माफ किए जा रहे हैं। आज शहर और गांव की दूरी मिटाने का एक सार्थक प्रयास देवास नगर निगम के इस प्रांगण से हम शुरू कर रहे हैं, जहां सूत्र बस सेवा अमृत योजना के तहत देवास से 70 बसें अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगी। इसमें बहुत सारे नाम मैं देख रहा हूँ, मेरे मन को बड़ी खुशी है। ये बसें इंदौर, उज्जैन, सोनगंज, बाबली, चापड़ा, बरोटा, हाट पिपलिया, धीमावर, हरदा, खंडवा, ओंकारेश्वर, तराना, मक्सी, विजयगंज, मंडी, कोलायकला, पीपल रवा, आस्था, साजापुर, सारंगपुर, जुजालपुर, मतलब शहर और गांव को एकाकार करना, कम दरों पे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, ये काम हमारी सरकार ने, जिसका शुभारंभ हम सब मिलकर यहां कर रहे हैं। साथियों, पहली बार शहर में बस सेवा का शुभारंभ भी आज हो रहा है। कुछ बसें आज हम लोग भी बैठ के जाएंगे उसमें, नगर बस सेवा में, यहाँ पे सड़कों का भूमि पूजन है। ये नई शुरुआत देवास जैसे छोटे शहर के लिए, और मैं इसे आवश्यक भी मानता हूँ, लेकिन हर अच्छे काम के लिए उंगली उठाई जाती है। हमारे विपक्ष के साथियों के पास काम कुछ बचा नहीं है, उन्होंने कहा कि साहब नगर निगम को
कांग्रेस का दफ्तर बना दिया। अरे भैया, कांग्रेस के नेताओं को काम करने की ललक है। यदि शहर में काम करना है तो नगर निगम कमिश्नर के पास, अधिकारी के पास बैठ के योजनाएं बनाना पड़ेंगी। आप में कुवत नहीं है और आप पिछले कार्यकाल में नगर निगम के, आपने जो इस नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था उस पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पे आरोप लगाना, मैं इसे ओछी राजनीति मानता हूं। अरे हमारी कांग्रेस कमेटी ने, शहर कांग्रेस कमेटी ने 4 महीने तक लगातार धरना दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की परिषद ने मनीष चौधरी को कोर्ट में जाना पड़ा, इंदौर हाई कोर्ट में, उस संस्था को ड्रेनेज का काम दे दिया जो बिहार जैसे राज्य में ब्लैक लिस्टेड, आज भी काम सही ढंग से पूरा नहीं हुआ। भाजपा के नेताओं ने कमीशन लेके उस योजना का सर्वनाश की तरफ मुंह मोड़ दिया। लेकिन हमारी कोशिश है कि भाजपा के राज में हुए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई योजनाओं को हम और पैसा लगा के ढंग से सुव्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। आरोप तो लगते रहते हैं, जब अच्छा काम करने निकलोगे तो लोग लाठन भी लगाएंगे, रास्ते में रुकावट भी डालेंगे, आलोचना भी करेंगे। और हम तो उसमें के लोग हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन टूटी छबाए, ताकि अपने मन में झांकने का भी हमको मौका मिले। तो हम तो देवास शहर के नागरिकों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि आपकी सुगम यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज एक नई इबारत लिखी जा रही है। मैं कमिश्नर को भी धन्यवाद देता हूं, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, हमारे दो बस सर्विस वाले विश्वास ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी अर्थ कनेक्ट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन, इनके हाथों में इन बस की सेवाओं की कमान सौंपी है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि सफलतापूर्वक आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और देवास शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को माननीय मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण का लाभ मिले। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं आज इस कार्यक्रम में आप सब जनों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करने से आभार। जय हिंद, जय भारत। सिस्टमेटिक लोग जाने दो ना, सब क्यों हो रहा है? रस्सी ले आए बस, उधर से पीछे कर देना, वो सामने हट जाओ ना भैया, थोड़ी सी जगह दे देना। जय बड़ा, आप भी करो, और आप तो करो भैया, मैं भी जाएगा।
गया गया हो गया मेरा सभी साथियों से निवेदन है कृपया मेहमानों को जगह दें, थोड़ा पीछे हट जाए और मेहमान जहां का इनॉग्रेशन कर रहे हैं वहां पर मीडिया कर्मियों को जरूर पहुंचने दें ताकि कांग्रेस की रीति नीति की बात कांग्रेस के कार्य को जनता तक पहुंचाया जा सके। वो घड़ी वहां पे तारे जाग मेरा
इसी बस की लड़ाई है अरे धीरे धीरे चलने देना धीरे धीरे सोनी जी कहीं गेट बंद करा सोनी जी एसी चालू करवाओ तुम पीछे वाली बस ना पुलिस और प्रेस पीछे वाली बस सूत्र सेवा बसों का आज उद्घाटन हुआ है। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा यहाँ पर आए हैं और बसों में भर के सभी पूरे कार्यकर्ता अभी शहर में भ्रमण करेंगे और बसों को देखेंगे कि किस तरह से बसें चल रही हैं और सभी कार्यकर्ता इस बसों में भरे हुए हैं। तो सूत्र सेवा की कुल 26 बसें यहाँ पे शुरू हुई हैं और मैं बता दूँ उसमें से 13 बसें शहर में चलेंगी सिटी बस के रूप में और बाकी बसें सोनकच्छ और आसपास के इलाके के लिए चलेंगी यहाँ पर, और इससे सुविधाएँ और ट्रांसपोर्ट के साधन बेहद अच्छे होने वाले हैं देवास की जनता के लिए। देवास लाइव के लिए सौरभ सचन।